हेलो फ्रेंड्स, सीमा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी चिकन। ये डिश बहुत ही फेमस है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाउल की ज़रूरत होगी। इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। ये लगभग हमने 300 ग्राम चिकन लिया है और लेग पीस को हमने इस तरह से नाइफ की मदद से हमने इसे कट कर लिया है ताकि हमारे मसाले इसके अंदर अच्छे से जा सके। यहाँ पे मैंने देखिए तकरीबन एक कप के करीब हमने दही लिया है। इसको हम आधा यूज़ करेंगे इसमें और आधा ग्रेवी में बनाने में यूज़ करेंगे। तो अभी हम 4 बड़े चम्मच इसमें दही ऐड करेंगे। ये देखिए हमने लिया है घर वाली मलाई, इसे अच्छे से फेंट लिया है। इसे भी हम 2-3 चम्मच डालेंगे इसमें। इसके बाद ये देखिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच हमने लिया है। आप तीखे के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें ली है। और इसे हम पूरा डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ मसाले हैं। यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, यहाँ पे लिया है हमने काली मिर्च का पाउडर, ये हमने एक एक छोटी छोटी चम्मच लिए है। ये हमने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच। यहाँ पे हमने लिया चाट मसाला और ये लिए हमने कसूरी मेथी। पहले इसे हमें थोड़े से तवा पे हल्का से भून लिया और इसके बाद हमने इस तरह से क्रश कर लिया। और हमें नमक की ज़रूरत होगी तो इन सब मसालों को हम इसमें ऐड करेंगे। और नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो नमक आप स्वाद के हिसाब से आप डालें, कम या ज़्यादा जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। ये देखिए हमने अच्छे से मसालों को चिकन में मिला लिया है और ये हमारा मैरिनेट हो चुका है चिकन। इसे हम 2 घंटे के लिए ऐसे रेस्ट होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख के बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा चिकन जो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब चलिए इसे हम कुक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, हम इसमें बटर भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ ऑयल में या बटर में भी बना सकते हैं, दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। इसके बाद हम अपने चिकन के पीसेस को इसमें ऐड करेंगे। हमें इसे अच्छे से कुक करना है तो इसे हम थोड़ा 5 मिनट तक इसे कवर करके पकाएंगे। मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। हमारे जो पीसेस हैं चिकन के पीसेस हैं वो एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं।
अब इसे हम एक करके से टर्न कर देंगे। अब इसे हम दूसरे साइड से भी इसी तरह से ढक के हम इसे पाँच मिनट के लिए, पाँच मिनट और हो चुके हैं तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। हमारा जो चिकन है अच्छे से टेंडर हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करते हैं। देखिए हमारे चिकन जो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक कटोरे में चारकोल लिया है, इसमें घी या ऑयल आप इसमें डालकर और इसे कवर कर दें पाँच मिनट के लिए ताकि हमारा स्मोकी फ्लेवर चिकन के अंदर जा सके। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब चलिए इसे हम खोल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छे से खुशबू आ रही है चारकोल की, इसे हम निकाल लेते हैं और इसे चिकन को हम एक प्लेट में निकालेंगे और ग्रेवी भी हम इसी पैन में बनाएंगे। ये देखिए हम इसे एक पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा और ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक हरी वाली इलायची डाल रहे हैं, दो लौंग डाल रहे हैं और तीन चार काली मिर्च डाल रहे हैं। मैरिनेशन वाला जो हमारे चिकन के जो मैरिनेशन बचा हुआ था हम इसमें इसमें ऐड कर देंगे। और इस बॉम में थोड़े मसाले डालेंगे तो इसमें हम पानी डाल के थोड़ा सा इसे डालेंगे इसमें। अब देखिए इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं मसाले वाले, मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। अब इसमें थोड़े से नमक ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करके मसालों को भून लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले जो भून चुके हैं, अब गैस को हम बंद कर देंगे, तब हम दही डालेंगे वरना दही हमारे पक सकते हैं। गैस को हमने बंद कर लिया है, अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही हमने जो क्रीम लिया था उसे भी ऐड कर लेंगे। गैस को हम जला लेते हैं, फ्लेम को हम लो रखेंगे।
देखिए हमारे मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम अपने चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये देखिए अफगानी चिकन बनके रेडी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।